हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल घर संसार वास्तुशास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ छह चीजें घर को बनाती है धनवान। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल घर संसार वास्तुशास्त्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपके घर संसार में सुख समृद्धि आएगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फेंग शुई के अनुसार छह ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में आर्थिक को दूर करके आपको धनवान बना देगी। यही नहीं, इन वस्तुओं के प्रभाव से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और घर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। गोल्डन फिश। फेंग शुई के अनुसार घर में मछलियां रखने से सौभाग्य बढ़ता है। ये धन मान सम्मान में वृद्धि करने का एक कारगर उपाय है। गोल्डन फिश को अपने शयन कक्ष, रसोई घर अथवा शौच घर में कभी ना रखें। मछली घर को अपने ड्राइंग रूम में रखें। ये मछलियाँ आपके जीवन में आर्थिक समस्या को समाप्त कर आपको धनवान बना देगी। ड्रैगन का जोड़ा। फेंग शुई के अनुसार ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि का प्रतीक है। इनके पैर के पंजों के मोती सबसे ज्यादा ऊर्जा संजोए हुए होते हैं। फेंग शुई में ड्रैगन को चार दिव्य प्राणियों में गिना जाता है। ड्रैगन यानी पुरुषत्व, हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक है। इसमें अपार शक्ति होती है। डबल ड्रैगन को यूं तो किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसके प्रभाव से घर में रहने वाले लोगों को सफलता मिलती है। तीन टांगों वाला मेढक। तीन टांगों वाला मेढक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार मुंह में सिक्के लिए हुए तीन टांगों वाला मेढक की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे अपने घर के भीतर मुख्य दरवाजे के आसपास रखना चाहिए। इसके प्रभाव स्वरूप आपके घर में पैसों की बरकत होगी। मेढक को रसोई या शौच घर के भीतर ना रखें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। लाफिंग बुद्धा। अगर आपको आर्थिक सफलता पाना है तो लाफिंग बुद्धा निश्चित ही आपकी मदद करेगा। अपने लिविंग रूम में मुख्य द्वार से तिरछी दिशा में एक लाफिंग बुद्धा बैठा दें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा मुख्य द्वार के एकदम सामने ना रखें। खुशहाली का प्रतीक कछुआ। फेंग शुई में कछुए को शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से कामयाबी के साथ धन दौलत और खुशहाली भी आती है। कछुए को ऑफिस या मकान की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रखें, कछुए को जब भी रखें तो उसका चेहरा अंदर की ओर होना चाहिए, तभी दिशा शुभ होगी। इसे कभी जोड़े में ना रखें। तीन सिक्के। फेंग शुई के अनुसार घर के दरवाजे में लाल रिबन में बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और समृद्धि आती है। ध्यान रखें, सिर्फ तीन सिक्के ही लगाएं और वह भी दरवाजे के अंदर की ओर। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी द्वार पर ही ठहर जाती है। सिक्के हमेशा मुख्य दरवाजे पर ही लगाना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स छह चीजें घर को बनाती है धनवान। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। भगवान आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।